हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन में दे रखा है, थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स स्टैंड इन अ क्यू। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट वन मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर इज 1/2, 1/3, 2/3 एंड 3/4। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्री बॉयज हैं और टू गर्ल्स हैं एक लाइन में खड़े। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉयज, अब देखिए ये सेंटेंस समझने वाला है, द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट वन मोर द देन वन मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर, है ना। मतलब जितनी उसके आगे गर्ल खड़ी है उससे एक ज्यादा बॉय उसके आगे होना चाहिए, बेसिकली ये कह रहा है। ठीक है, जब अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए, जैसे द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स, ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम क्या होता है, एन थिंग्स है तो एन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम निकाल लें, तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वो है 2। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स कह लीजिए या अरेंजमेंट कह लीजिए, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3 + 2 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमें निकालना है, तो देखिए गर्ल्स और बॉयज का हमें अरेंजमेंट करना है। तो देखिए यहां से समझिए कि क्वेश्चन में कह रहा था नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट वन मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे 3 बॉय थे और 2 गर्ल्स थी, तो एक गर्ल को हमने यहाँ पे अलाइन किया और एक को यहाँ पे अलाइन किया। ठीक है, तो देखिए इस इसके पहले जो सब कंडीशन वन क्या हो जाएगी, इससे पहले एक बॉय हो जाएगा, फिर इससे पहले एक बॉय हो जाएगा और इससे पहले एक बॉय हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कैसे कर रही है कि भाई क्वेश्चन में कहा था कि द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल, मतलब नंबर ऑफ बॉय अहेड ऑफ एवरी गर्ल, है ना, जो गर्ल, ये जो गर्ल है इसके आगे जो बॉय है वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट वन मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर, मतलब इसके आगे जितनी भी गर्ल है उससे एक ज्यादा होना चाहिए। तो देखो इसके आगे कितनी गर्ल है, इसके आगे तो 0 गर्ल है, तो 0 + 1 एटलीस्ट वन, है ना, वन मोर कितना बॉय, एक बॉय होगा ना इसके आगे। और अगर ये वाली कंडीशन देखिए, इसके आगे कितनी गर्ल है, इसके आगे एक गर्ल है और यहाँ बॉयज कितने हैं, 2 है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है पहली वाली, तो एक कंडीशन आपकी ये हो जाएगी ना, ये केस वन हो गया। उसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी भाई गर्ल्स को हमने अगेन ऐसे ही अलाइन किया, अब उसके बाद देखिए बॉयज करने, तो 2 बॉयज हमने इधर कर दिए और एक बॉय हमने इनके बीच में कर दिया। देखिए यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, भाई एक गर्ल है उसके आगे कितनी 0 गर्ल्स हैं, तो 0 से एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट वन तो है ना, 1 से ज्यादा है तो भी चलेगा। उसके बाद ये इसके आगे कितनी गर्ल है, इसके आगे एक गर्ल है, तो एक मतलब एक 1 + 1 तो 2, एटलीस्ट 2 होना चाहिए ना यहाँ पे, तो देखो 2 तो है ही, उसके आगे कितना भी हो जाए तो मतलब ये वाली कंडीशन भी काम करेगी। उसके बाद कौन सी कंडीशन, तीनों बॉयज एक साथ आप ले लो और दोनों गर्ल्स एक साथ ले लो, देखो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, इसके आगे एटलीस्ट वन मोर देन गर्ल अहेड ऑफ हर, तो इसके आगे 0 गर्ल है, तो 0 + 1 एक बॉय तो है, एक से ज्यादा भी चलेगा। इसके आगे कितनी गर्ल है, एक गर्ल है, तो एक से ज्यादा कितना, 2 हो गया, तो 2 है, उससे ज्यादा भी चलेगा, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। अब उसके बाद चौथा, जब आप 2 बॉयज को एक साथ ले लो और 2 गर्ल को एक साथ ले लो और एक बॉय को इधर लाइन कर दो, देखो तो इसके आगे ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं,
इसके आगे भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये भी सही होगी। उसके बाद एक कंडीशन और बनेगी, क्या बनेगी कि आप एक बॉय ले लो एक गर्ल ले लो, फिर दो बॉयज एक साथ कर दो और फिर गर्ल एक कर दो। तो देखो ये इससे सेटिस्फाई कर रहा है, और ये वाला जो ये देखो यहाँ पे अलाइनमेंट है वो देखो दो बॉयज है, दो से ज्यादा भी चलेगा ना क्योंकि एक गर्ल है। तो देखो यही पांच कंडीशन हमारी बन सकती है, इन पांचों के अलावा और कुछ नहीं बन सकता। तो देखियो इसको अलाइन करने के लिए देखो दो गर्ल्स हैं और तीन बॉय हैं, तो इनको इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सेकेंड वाले में भी यही होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि दो बॉयज हैं और तीन गर्ल्स हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसमें भी क्या होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, इन सबको आपको ऐड करना रहेगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ से क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देखिए 5 केसेस हैं तो 5 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 5 फैक्टोरियल थे। तो यहां से देखो हो जाएगा 5 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल है, तो 3 को हम और चलो 3 को एज इट इज लिखे रहते हैं, और 2 फैक्टोरियल क्या होगा बेटा, 2 इंटू 1 होता है, तो ये तो 2 ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद 5 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर ले, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, और 2 वन 2 2 टाइम्स, तो इसका मतलब है 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, इट मींस 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। और ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है।